अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा लगातार मानव सेवा ही नारायण सेवा के पद पर चिन्हों पर चलते हुए लगातार मानव सेवा के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम रियायती दरों पर अन्नपूर्णा सेवा न्यास मेडिकल की सुविधा, अन्नपूर्णा चिकित्सालय, अन्नपूर्णा सेवा न्यास भोजन रथ, लगातार कई तरह के संकल्प कार्यक्रम अन्नपूर्णा सेवा न्यास की तरफ से किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज अन्नपूर्णा सेवा न्यास सेवा प्रकल्प दिव्य दृष्टि निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण का आयोजन कोण बस्ती जीवाजी राव छात्रावास में आयोजित किया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने बताया कि लगातार नीमच के दानदाताओं द्वारा अन्नपूर्णा सेवा न्यास में सहयोग किया जा रहा है। इन्हीं के सहयोग से इस अन्नपूर्णा सेवा न्यास को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं आज वार्ड नंबर 27 पार्षद पुत्र वीरेंद्र पाटीदार की तरफ से निःशुल्क नेत्र परीक्षण परामर्श एवं चश्मा वितरण का आयोजन कोण बस्ती जीवाजी राव छात्रावास में आयोजित कराया गया, जिसको लेकर बड़ी संख्या में बस्ती के लोगों का नेत्र परीक्षण किया जाएगा और जिन लोगों को चश्मे की जरूरत होगी उनको निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाएगा और आंखों में कुछ गंभीर बीमारी होगी तो आगे इलाज के लिए भी पहुंचाया जाएगा। अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा कई तरह के सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अन्नपूर्णा सेवा न्यास नीमच ने भविष्य पहले भी कई कार्य किए हैं और आज की तारीख में इन्होंने जो ये नेत्र कैंप लगाया है निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण गौण बस्ती में, वो एक बहुत ही अच्छा कदम है उनका। इससे मानव सेवा होगी और सेवाभावी सभी लोग इस समिति से जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सफल होगा और भविष्य में भी इनकी सफलता की हम सब कामना करें। बहुत अच्छा दिन है आज, शिक्षक कॉलोनी के सामने जो बस्ती है इसके सामने अन्नपूर्णा सेवा न्यास नीमच सेवा प्रकल्प दिव्य दृष्टि, जो कि अभी अन्नपूर्णा सेवा न्यास की तरफ से नया प्रकल्प है, जिसे कोई भी किसी के भी आँखों की जांच करना और आँखों की जांच करने के बाद उसकी आँखों में कोई परेशानी आती हो तो उसके लिए चश्मा लगाना और उसके कुछ परामर्श के लिए पूरी टीम यहाँ बुलाई है समिति ने। और इसका सौभाग्य मुझे भी कुछ प्राप्त हुआ है कि कुछ सहयोग मेरे से जो बना है, मैंने सबके आशीर्वाद से दिए करा है और ये सेवा समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो ये हमारी बस्ती है, ये वाकई में जहाँ ज़रूरत है वहीं इसका काम हो रहा है, या जैसे जिस चीज़ की एक सामान्य अपन देखते हैं बड़ा आदमी होता है वो कहीं बाहर घूमा भाई या कहीं चला जाता है और अपनी इलाज करवा लेता है कहीं भी खर्चा करा कर, पर ये जो लोग हैं बस्ती के गोंड समाज के हैं, इन सब बहुत गरीब लोग हैं और इनके आँखों की जाँच होना मतलब इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अन्नपूर्णा सेवा न्यास के हमारे अध्यक्ष अजय भटनागर जी, सचिव प्रवीण जी एवं समिति के सभी सदस्यों ने इस बस्ती के अंदर लंबे समय से आना जाना रहा है और सेवा का प्रकल्प के माध्यम से हम यहाँ पर राशन किट वितरण किए और अन्य प्रकल्पों को लेकर हम यहाँ इनके बीच उपस्थित हुए थे। तो यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ की जो समस्या प्रमुख थी, माता बहनों ने कहा कि किसी को आँखों से कम दिखाई देता था, किसी के मोतियाबिंद की समस्या थी, तो सब लोग कहीं कहीं परेशान थे, उनकी परेशानी को समझा, उनके दुख को समझा और अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने हमारे दानदाता श्री वीरेंद्र पाटीदार जी की तरफ से आज इस कैंप का आयोजन हुआ है। इस कैंप के माध्यम से जितने बस्ती में लोग निवासरत है, जो बुजुर्ग हैं 40 साल से ऊपर हैं, जिनकी रोशनी कमज़ोर हो गई है, ऐसे सभी लोगों को आँखों का परीक्षण यहाँ पर होगा। उसके बाद जिसको जिसको चश्मे की ज़रूरत होगी उनको चश्मा भी यहाँ पर लगाया जाएगा और वो सारी प्रक्रिया निःशुल्क होगी, अन्नपूर्णा सेवा से न्यास के माध्यम से की जाएगी। अन्नपूर्णा सेवा न्यास का यह पहला शिविर है जो इस तरह की बस्ती में आयोजित किया गया है जहां पर निःशुल्क चश्मों का वितरण हो रहा है। इसके बाद ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है, एकता कॉलोनी में लगेगा। जो गरीब बस्तियाँ हैं जिनके अंदर आँखों की बीमारियाँ हैं और उनका चेकअप नहीं हो रहा है, उनका आँखों का चेकअप भी कराया जाएगा और उनको चश्मा भी लगाया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया अन्नपूर्णा सेवा के माध्यम से नीमच शहर के दानदाताओं के माध्यम से आयोजित की जाएगी। आप नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।